आप सब मेरे साथ ये मंत्र बोलें और जिनको समझ न आए वो सिर्फ हाथ जोड़कर इसे श्रवण करें। संस्कृत में है, दारिद्र दुख हरण स्त्रोत्र वशिष्ठ जी के द्वारा रचित है। जिस जो त्रिकाल संध्या तीनों समय इस मंत्र को इस स्त्रोत्र का पाठ करते हैं उनके घर की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्वतः ही प्रकट हो जाती है, उनका सौभाग्य जागृत हो जाता है। मिलकर मेरे साथ प्रेम से गाएंगे। विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय करणामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकान्ति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भव सागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृत्याय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय चंबावराय सव भस्म विलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुंडल मंडिताय मंजीर पाद युगलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रय मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय राम प्रियाय रघुनाथ वर प्रदाय नाग प्रियाय नरकार्णव तारणाय पुण्येषु पुण्य भरताय सुराज्यताय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीत प्रियाय प्रसवेश्वर भावनाय मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय वशिष्ठेन कृतं स्त्रोत्रं सर्वरोग निवारणं सर्वसंपत्करं शीघ्रं
पुत्र पौत्रार्धि वर्धनम त्रसंध्यम य पठन नित्यम सही स्वर्ग ममाप्नुयात। भूत भावन भोलेनाथ का ये दुख दारिद्र हरण स्त्रोत्र, इसका त्रिकाल संध्या जो पाठ करते हैं उनके घर से, उनके जीवन से दुख दारिद्र समाप्त हो जाते हैं, दरिद्रता उनके यहाँ नहीं रहती है, अपितु उनके यहाँ माँ लक्ष्मी वास करती है। संतति जिन्हें हम संतान कहते हैं, पुत्र पौत्र और पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी उसमें वृद्धि होती है। हमारे हम लोगों से कहेंगे इस का एक वीडियो बनाकर आप सबके साथ में शेयर करें, आप उसे दिन में 3 बार अपने घर में चलाया करें और जल्दी ही इससे आपको याद भी हो जाएगा और आप इसका पाठ करेंगे, आपके घर में रोग दरिद्र ये सब नष्ट हो जाएगा और आपके घर में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। राधे राधे आपको बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।